हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियाग्रा टैबलेट के बारे में। इससे पहले हम बायग्रा टैबलेट की वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों हमारे इस वीडियो के नीचे। तो जियाग्रा टैबलेट की बात करें तो जियाग्रा टैबलेट के अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, जो साल्ट होता है इसके अंदर, वो दो कॉम्बिनेशन इसके अंदर होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है सिल्डेनाफिल जो कि 50 mg में होता है दोस्तों। दूसरा इसके अंदर होता है वो होता है डिपॉक्सिटिन जो कि 30 mg में होता है। सिल्डेनाफिल की बात करें तो सिल्डेनाफिल जो होता है वो फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर कैटेगरी की दवा है। मतलब फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर कैटेगरी होती है जिसके अंदर सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल दोनों आते हैं, तो उसी कैटेगरी में ये सिल्डेनाफिल आती है। इसको बनाने वाली कंपनी की बात करें तो इसको बनाया ली लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है। प्राइस की बात करें तो इस टाइम जो इसका प्राइस है वो 175 रुपये में 4 टैबलेटों का ये एक स्ट्रिप मिल जाता है। इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, इस टाइप का ये इसका पैकिंग आती है। 4 टैबलेटें एक पैकेट के अंदर आती हैं। इसके समय के अनुसार प्राइस जो वो चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो इसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, इसका जो यूज़ होता है वो होता है पुरुषों में मेल में इसका इस्तेमाल होता है वो होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब काफ़ी इस टाइम पर काफ़ी देखा जा रहा है कि लोगों में जो है, जब वो अपनी महिला पार्टनर के पास जाते हैं तो उनको जो है टाइम से पहले वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस जियाग्रा टैबलेट को दिया जाता है ताकि वो अपने पार्टनर के पास जाकर ठीक से सेटिस्फाइड कर सकें उसको। इसको लेने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में। इसके साथ ही साथ इसका इस्तेमाल होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों पुरुषों में नपुंसकता जो हो जाती है, जिसमें जो है उनके प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट एरिया में जो है इरेक्शन नहीं होता है। इरेक्शन जब नहीं होता है तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है अपने पार्टनर के साथ पे जाने से। और वो इस टैबलेट को अगर वो ले लेते हैं तो उनको फिर शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, उसके बाद उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये इसके इस्तेमाल में लाई जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो। जिस दवा को खाते हैं उस दवा के साइड इफ़ेक्ट आपको जानना बेहद ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप इस दवा के साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर जानें। सिर दर्द होना, मितली आना, जी मचलाना, पेट खराब रहना, आपका पेट खराब हो सकता है, मुंह आपका सूख सकता है, ड्राई हो सकता है, विजन प्रॉब्लम मतलब आपको देखने में जो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ब्लर दिखाई दे सकता है, ब्लर दिखाई, धुंधला दिखाई दे सकता है, हाथ पैर बॉडी आपके फ्लैशिंग हो सकते हैं, गर्म हो सकते हैं, यही इसमें कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे हटकर भी अगर आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट आता है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए या कौन कौन इस टैबलेट को नहीं ले सकते। तो ऐसे व्यक्ति इस टैबलेट को बिल्कुल नहीं लें जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई हिस्ट्री में उनको हार्ट रिलेटेड कोई परेशानी रही है, या फिर उनका BP जो है हाई रहता है, ब्लड प्रेशर जो उनका हमेशा हाई रहता है, कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को बिल्कुल नहीं लें। 50 साल से ऊपर वाले व्यक्ति भी इस टैबलेट को ना लें और 18 साल से नीचे वाले व्यक्ति इस टैबलेट को ना लें। तो ये इसमें कुछ दो तीन बातों को ध्यान में रखना होता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी जो डोज होती है दोस्तों, वैसे तो हर दवा की जो डोज है वो डिपेंड करती है मरीज की एज, वेट, सीवियरिटी, क्या कंडीशन है उसकी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो जनरली इसको एक एडल्ट में, एडल्ट पुरुष अगर लेता है तो जनरली एक टैबलेट अपने पार्टनर के पास जाने से पहले 1 से 1.5 घंटे पहले वो ले सकता है दूध या पानी के साथ। यही कुछ इसकी डोज होती है। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके आपके वेट के या फिर आपके डिसीज़ के अकॉर्डिंग कितनी आपको डोज की नीड है, कितनी ज़रूरत है। तो ये दोस्तों हमने आपको जियाग्रा टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चैनल को दें। हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाकर देते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफ़ी मेहनत वीडियो बनाने में लगती है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।